अमेज़ोन से नया एक पैकेट मुझे मिला है, देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करके कि इसमें क्या चीज़ आई है। ऐसे ही घड़ी मंगवाई थी मैंने, देखते हैं दिखने में कैसी है। और ये कुछ ऐसा बॉक्स मिला है, पर ये कुछ पिचका हुआ है और इसमें से एक बिल निकला है जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है। घड़ी का बॉक्स कुछ ज़्यादा ही पिचका हुआ लग रहा है, ये इससे तो नहीं हो सकता था। देखता हूँ अंदर से घड़ी डैमेज हुई है कि नहीं। यहाँ से शायद इसकी ओपनिंग है और यहाँ से कुछ ये निकला है। ये आई थिंक प्रोडक्ट के कुछ है, वेलकम टू फैमिली वैमिली। ये देखते हैं घड़ी, घड़ी का कुछ ऐसा बॉक्स आया, लेकिन बॉक्स की कंडीशन मुझे पसंद नहीं आई। ये कुछ ज़्यादा ही पिचका हुआ सा है और इसकी पैकिंग क्वालिटी भी मुझे ठीक नहीं लग रही है। आई थिंक ये वारंटी कार्ड लग रहा है मुझे, ये वारंटी कार्ड ही है शायद। और कुछ इस बॉक्स में निकला नहीं है, इसके अंदर कुछ और भी है, देखता हूँ। इसको एक बार खोल के देखता हूँ कि कैसा है इसका मटेरियल वगैरह। कुछ और डैमेज मिले तो रिटर्न डालना पड़ेगा। वाओ, कुछ ऐसा दिखता है इसका ओवरऑल व्यू, तो काफ़ी सुंदर है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं इसमें, जैसे कि एलईडी लाइट्स और कैलेंडर और ये डिजिटल टाइम, डिजिटल टाइम सेकंड्स मिल जाते हैं, और काफ़ी अच्छी लुक मिल जाती है इसमें, और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी लगती है, बट लगती है नहीं वैसे। और वाटर प्रूफ है और काफ़ी मस्त है दिखने में। तो यहाँ से लाइट जलती है और यहाँ से स्टार्ट स्टॉप बटन है, और यहाँ से सेटिंग मैनुअल का है। वाटरप्रूफ है और ठीक है, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये मस्त है दिखने में, अब इतने में पैसों में तो इतना ही ठीक रहेगा, और काफ़ी ठीक है। और कुछ बबल्स मैं जो कह रहा था वो देखो, जैसे अभी देख पा रहे होंगे ना, यहाँ कुछ है, यहाँ छोटे से दो तीन बबल्स हैं, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा अलग लगता है ये। बाकी तो घड़ी बहुत अच्छी है दिखने में और चलने में भी। और ये यहाँ पर इसमें कुछ ये रेड सा निशान, ये समझ नहीं आया मुझे क्या चीज़ है, बट काफ़ी ठीक है, काफ़ी ठीक लगती है और प्रीमियम लगती है वाइस, और काफ़ी दिखने में भी बढ़िया है। तो ये अब मैं इसका रिव्यू दूंगा आपको बाद में अगली नेक्स्ट वीडियो में।